इसरो के वैज्ञानिकों की अब नई पहल, अब सूर्य पर देखेंगे लगभग 900 नजारा। सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लिनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory, or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से
इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope, SWIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LIOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE, is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in-situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low-energy particles and high-energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LIOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में निर्भार के बारे में जानते हुए, इसमें सुदूर संवेदन निर्भार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण निर्भार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन निर्भार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन, यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HELOX, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निर्भार में
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयन्स की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। परफॉर्मेंस नॉर्मल, यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URRAW सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room.